जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज अपने बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री जी के आशीर्वाद से चल रहा है। आज भारत देश में एक सबसे बद्धे त्योहार के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा कार्यक्रम सिर्फ हिंदुत्व में दिख सकता है, ऐसा भीड़ आपको नहीं दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज अपने बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री जी के आशीर्वाद से चल रहा है। आज भारत देश में एक सबसे बद्धे त्योहार के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा कार्यक्रम सिर्फ हिंदुत्व में दिख सकता है, ऐसा भीड़ आपको नहीं दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज अपने बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री जी के आशीर्वाद से चल रहा है। आज भारत देश में एक सबसे बद्धे त्योहार के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा कार्यक्रम सिर्फ हिंदुत्व में दिख सकता है, ऐसा भीड़ आपको नहीं दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज अपने बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री जी के आशीर्वाद से चल रहा है। आज भारत देश में एक सबसे बद्धे त्योहार के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा कार्यक्रम सिर्फ हिंदुत्व में दिख सकता है, ऐसा भीड़ आपको नहीं दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज अपने बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री जी के आशीर्वाद से चल रहा है। आज भारत देश में एक सबसे बद्धे त्योहार के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा कार्यक्रम सिर्फ हिंदुत्व में दिख सकता है, ऐसा भीड़ आपको नहीं दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज अपने बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री जी के आशीर्वाद से चल रहा है। आज भारत देश में एक सबसे बद्धे त्योहार के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा कार्यक्रम सिर्फ हिंदुत्व में दिख सकता है, ऐसा भीड़ आपको नहीं दिखेगा।